आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है बीफ बिरयानी, जिसके लिए हमें चाहिए बीफ जो कि है आधा एक किलो, और चावल भी हमने एक किलो लिए हैं जो कि हमने भिगो दिए, और ये है टमाटर आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट चार खाने के चमचे भर भर के, मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया एक टी स्पून, और मैंने लिए हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई और पिसी हुई दोनों हम मिर्च डालेंगे, जो आपको तेज़ लगता हो तो आप कम कर दें, मैंने 1-1 टी स्पून लिया। बाकी ज़ीरा है, बादियानी के फूल हैं, गरम मसाले में पूरा गरम मसाला है, तेज़पात है, तेज़पत्ता तेज़पात जो भी बोल रहे हैं, और ये हरी मिर्चें हैं, लीमू है, और धनिया और पुदीना, ये हम अपने हिसाब से डालेंगे। दही है पूरा एक पाव, प्याज मैंने इसमें रख दी है, और ये प्याज जैसी लाल होती हुई आएगी इसके बाद हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। प्याज हमारी मज़ेदार से कलर में आ गई है, अब हम इसके अंदर सारा बीफ डाल देंगे। हड्डी वाला बीफ था हमारे पास 1 kg, इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें सारा लहसुन का पेस्ट डाल दिया, तब गोश्त वाइट हो जाता है उसके बाद हम लहसुन का पेस्ट में डालते हैं, तो क्या होता है गोश्त ही ना हीट नहीं आती, थोड़ा सा उसमें तेल में पक जाता है खाली ना, जल्दी ख़त्म हो जाती है इसमें। अब जो जितना सारा गरम मसाला था अब वो डाल देंगे, अच्छी तरह। अब मैंने इसके अंदर सारे मसाले, नमक और एक चम्मच मैंने चिकन पाउडर भी यूज़ किया है वो सब डाल दिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनती हुई आ रही हूँ, थोड़ी सी इसकी स्मेल कम होगी ना, तो फिर हम इसको पोछ को बनने रख देंगे टमाटर डाल के। अच्छा थोड़ा सा हमने जो है ना हरी मिर्च डालनी है, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखती हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चिली की स्पाइस जो है ना वो अच्छी आ जाती है, टेस्ट अच्छा कर देती है, तो मैंने 4-5 ये डाल दिया कि घुल जाएंगी तो इसका स्पाइसी हो जाती है, और इसी तरह से इतना आपको नुकसान भी नहीं देती है मिर्च ना, तो मुझे ज़्यादा ये अच्छी लगती है। मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए पूरे, और फिर बस 2-3 मिनट और भूनेंगे, फिर हम पानी डाल देंगे। देखिए अब हमने ना इसके अंदर पानी डाल दिया कि गोश्त गलने के लिए रख दिया है, अब हमारा गोश्त गलता हुआ आ जाएगा, फिर हम आपको आगे का बताएंगे। हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है, सलिए बुलकी का सर है वो हम दही डालेंगे, तो दही के पानी में थोड़ा सा और क्योंकि पानी बहुत छोड़ता थी तो हो जाएगा, तो अब दही डाल के हम फिर ढक देंगे कि जब तक पानी खुश्क हो थोड़ा मसाला गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। जी हमने ये ना दम का मसाला बनाया है, इसके अंदर मैंने डाला है हरा धनिया एक गड्डी, पुदीना लीमू एक लिया है, टमाटर एक लिया है, हरी मिर्चें 4-5 लिए, गरम मसाला है, और जायफल जावित्री पिसी हुई ये लेके हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और ये मसाला बन जाएगा जो हम डालेंगे तह के अंदर। चावल बॉयल करने रखते हैं, इसमें ज़ीरा और बस नमक डाल के मैंने बॉयल करने रखे हैं, तो चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर उसमें से मैं तेल लगा दूँगी, यह हमारा दूसरा सामान है तो मैंने बनाया था, और ये है केवड़ा और इसके अंदर है जाते का रंग। देखिए हमें अब तेल लगानी है, अब हमने चावल जैसे बॉयल कर लिए थे उसके एक आधी रख के हमने बॉयल करे हैं, ऑयल डाल दिया, ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे तो उसे चावल डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर
चावल डाल दिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये कोरमा अपना। सारा कोरमा दो तेल लगानी है तो दो चम्मच लाइट करके हमें डालेंगे। अच्छा जी, हमने ये डाल दिया है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा राइस डालेंगे। फिर हम जो मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने मिक्सचर बनाया है सारा, ये सारा मैं मिक्स करके तहे के उससे डाल दूंगी थोड़ा सा। थोड़ा सा भी डालेंगे, थोड़ा सा दूसरी साइड में डालेंगे। अब फिर थोड़ा सा चावल डाल दें, इसकी भी हल्की सी तह लग गई। अच्छा जी, अब हमारी तह लग चुकी है पूरी, दो तह लगा दी। अब हम इसमें डालेंगे जर्दे का रंग। जर्दे का रंग डाल के हम इसको हल्की आंच में 20 मिनट के दम पे रख देंगे। दार सी बिरयानी रेडी हो गई है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर आप लोगों को सर्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा।